मंदसौर में विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी दलों के और निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने नामांकन निर्वाचन विभाग में जमा करवा दिए हैं। अब उम्मीदवारों के नामांकन उठाने और नामांकन की जांच की प्रक्रिया अभी होना बाकी है। इसके चलते आज मंदसौर से कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र नाहटा के खिलाफ विजय शर्मा ने निर्वाचन विभाग में दिग्विजय सिंह की सरकार में उद्योग मंत्री रहे नरेंद्र नाहटा के खिलाफ 16 पन्नों की शिकायत दर्ज करवाई है, जिसे कांग्रेस उम्मीदवार के ऊपर और परेशानियां खड़ी दिखाई दे रही हैं। आपत्ति में प्रमुख रूप से लाभ के पद का दुरुपयोग, शासकीय भूमि खाली करने के आदेश के बाद भी शासन को भूमि नहीं सौंपना जैसी आपत्ति दर्ज करवाई गई है। अब देखना यह है कि कांग्रेस उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी को बचा पाते हैं या नहीं। निर्वाचन अधिकारी ने विजय शर्मा को आपत्ति के लिए जवाब देने के लिए शाम तक का समय दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय शर्मा है और मैंने आज निर्वाचन अधिकारी महोदय के समक्ष मंदसौर जो विधानसभा है उसके कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र नाहटा, उनके विरोध में जो उन्होंने नामांकन प्रस्तुत किया है, उनके जो तथ्य छुपाए उसके विरोध में आपत्ति प्रस्तुत की थी उनके नामांकन को निरस्त करने के लिए। और हमारे उसका जो विषय थोड़ा सा ये है, हमारे यहाँ सन 1969 से एक महाविद्यालय संचालित होता है जो नगर के प्रबुद्ध जनों ने उसको प्रारंभ किया था और उसको बनाने में, उसको अभी तक इस रूप में लाने में लोगों ने भी पैसा दिया, विद्यार्थियों ने फीस के रूप में पैसा दिया और शासन ने उसका अनुदान दिया, जो लगातार उसमें अनुदान आज भी आ रहा है। नरेंद्र नाहटा जी मंत्री पद पर रहते हुए उसके अध्यक्ष रहे, उद्योग मंत्री रहते इन्होंने उस समिति का विघटन करवा दिया क्योंकि ये इन्हीं के विभाग का था और इसको अपने अवैधानिक रूप से अपने ट्रस्ट में इसको मर्ज करवा लिया। लगातार अनुदान लेते रहे, कर्मचारियों को वेतन शासन देता रहा और इनके यहाँ वो काम करते रहे। आज की तारीख में वहाँ 6 कर्मचारी ऐसे भी काम कर रहे हैं जिनको शासन वेतन दे रहा है और उनको वहाँ पे कोई काम नहीं है, शासन के वो कोर्स उन्होंने बंद कर दिए हैं इसी समिति ने। मैंने कहा कि लाभ के पद का दुरुपयोग है, आज भी अध्यक्ष हैं, उसके राजस्व के रिकॉर्ड मैंने प्रस्तुत किए निर्वाचन आयोग को। दूसरा, इन्होंने अपना राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने इनको आर्थिक अनियमितता का अपराधी माना, 384 भारतीय दंड विधान का इन्होंने अपराधी मान करके पत्र प्रेषित किए हुए हैं, उनका भी इन्होंने अपने शपथ पत्र में उल्लेख नहीं किया है। न शासकीय संपत्ति को अतिक्रमण है, इनके अतिक्रमण कर रखा है क्योंकि सन 2003 में रजिस्ट्रार फर्म संस्थाएं ने उन सारी संपत्ति को शासन के अधीन आदेश कर दिया, शासन के अधीन करने का, लेकिन उन्होंने आज तक उसको शासन को नहीं सौंपी। आज क्या आपत्ति लगाई, इस पे क्या आश्वासन मिला आपको? मैंने रिटर्निंग ऑफिसर महोदय को जो आपत्ति लगाई, उन्होंने मेरी तथ्यों को सुना, उसको समझा, मेरे सारे प्रमाण को उन्होंने देखा है और उन्होंने समय लिया है कि शाम को 4 बजे तक मैं इसका निर्णय करूंगा। जो भी तथ्य आपने दिए हैं और उस पर विचार विमर्श करके आवश्यक विधिवत जो भी निर्णय होगा मैं अपने स्तर पर कर पाऊंगा।